इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो हम लोग बात करते हैं फ्लैटस, गैस या अफारा बनने का कारण क्या है, बचाव क्या करें, घरेलू उपाय क्या करें और फाइनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है। देखिए, आज की डेट में अनियमित दिनचर्या और भाग दौड़ की वजह से गैस बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और गैस का पास होना काफ़ी असहज स्थिति होती है। तो देखिए, कौन कौन से कारण हैं गैस बनने के। तो देखिए, पहला सर्वप्रथम कारण है कि हम लोग जब खाते पीते हैं तो गैस जो खाने के या पीने के साथ जो इंटेस्टाइन में चली जाती है। देखिए, स्वेलोइंग एयर वाइल यू ईट आर ड्रिंक कैन काज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू कलेक्ट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना। और दूसरा कारण क्या है कि जब डाइजेशन होता है तो आंत के अंदर कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो सब भी गैस बनाते हैं। तो देखिए, सेकेंड रीजन लिखा है, एज यू डाइजेस्ट फूड डाइजेस्टिव गैसेस सच एज हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट, आइदर मीथेन कैन काज फ्लैटुलेंट, जो मीथेन गैसें सब बनती हैं उस वजह से फ्लैटुलेंट होती हैं। अगर टाइप की बात करें तो दो टाइप के सोर्स हैं, एक एंडोजिनस सोर्स और एक एक्सोजिनस सोर्स। एंडोजिनस सोर्स जो है, जो पेट के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं तो उसमें भी कुछ गैस बनती हैं। तो देखिए, एंडोजिनस सोर्स आर इनसाइड द गट, गैस में एराइज एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ सर्टेन फूड आर कंपोनेंट। और एक्सोजिनस गैसेस क्या हैं कि एक्सोजिनस गैसेस आर दोज विच कम फ्रॉम द आउटसाइड, वी सेलो एयर व्हेन ईट ड्रिंक आर सेलो सलाइवा, स्पेशली व्हेन एक्सेस सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नाजिया आर एसिड। तो एसिड बनता है तो एक्सेस सलाइवा जनरेट हो जाता है, उस वजह से गैस बनती हैं। तो गैस इस तरह से बनती हैं। नॉर्मल जो रूटीन ये है कि जो एवरेज गैस है 10 से 18 बार पर डे पास होती हैं, तो इस इतना लगभग है। तो अगर ये नॉर्मल है, और ख़ास बात ये ध्यान रखना है कि जो गैस पास होती है उसमें अगर बदबू है ना, तो अगर उसमें बदबू है तो समझ लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, इलाज कराने की एकदम ज़रूरत है। देखिए, लिखा है कि नॉर्मल रूटीन में हेल्दी गैस इज हार्मलेस एंड हैज नो ऑडर, उसमें कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। ऑफेंसिव गैस इज हार्मफुल ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, अगर गैस पास होती है और वो ऑफेंसिव है, तीव्र स्मेल है उसमें, तो आप समझ लीजिए कि वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस बन रही है और उसका इलाज तो अत्यंत जरूरी है। तो अब देखिए, कौन कौन से फूड सप्लीमेंट हैं जो कि कम करें या न खाएं। देखिए, बीन्स जो है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन बीन आर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू डाइजेस्ट। तो जो जितनी भी बीन्स होती है ना, उन सब में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या फिर आंत के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उन सब से बचें। और लैक्टोज इंटॉलरेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंटॉलरेंसी होती है लैक्टोज के प्रति, तो लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, तो वो सब से बचें। व्हेन पीपल कंज्यूम फूड दैट कंटेन लैक्टोज सच एज मिल्क एंड लैक ऑफ एंजाइम टू ब्रेक इट डाउन, द बैक्टीरिया फीड ऑन द लैक्टोज एज सम पीपल टू दिस प्रॉब्लम। तो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उन सब बचें। और एक सीलिएक डिजीज होती है, इंटॉलरेंस टू द प्रोटीन गुलेटिन, जो गेहूं में पाया जाता है, गेहूं का जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है, तो कुछ लोगों को इससे भी एलर्जी होती है, तो वो लोग भी गेहूं के आटे ना खाएं, तो सीलिएक डिजीज से बचा जा सकता है। इसमें भी गैस ज़्यादा बनती है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना, जैसे सॉर्बिटाल है, मैनिटॉल है, सेक्रीन है, ये सब जितने भी कैंडीज होते हैं, च्यूइंगम होते हैं ना, शुगर फ्री स्वीट्स होते हैं, और उन सब में ये पाए जाते हैं, सेक्रीन भी आता है उसी में, तो ये सब पाए जाते हैं, तो ये सब भी गैस बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कोल्ड ड्रिंक के समय यूज़ किए जाते हैं, तो इन सब से बचें। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी गैस बना सकती है, बनाती है। घरेलू उपाय की अगर बात करें तो अदरक और नींबू का रस एक एक चम्मच लेकर थोड़ा सा नमक मिलाकर भोजन के बाद दोनों समय सेवन करने से गैस की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और खाना भी डाइजेस्ट होने लगता है। तो ये घरेलू उपाय है, आसानी से आप कर सकते हैं। अदरक और नींबू का रस निकाल लें और एक एक चम्मच मिलाकर उसको यूज़ करें, और खाने के पहले बाद में दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हरड़,
सोंठ का पाउडर आधा आधा चम्मच, यानी आधा चम्मच हरा ले लीजिए, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर भोजन के बाद पानी से सेवन करने से पाचन ठीक प्रकार से होता है और गैस भी नहीं बनती है और गैस बनने की संभावना भी खत्म हो जाती है। और तीसरा घरेलू उपाय है कि एक अजवाइन के साथ चुटकी भर काला नमक भोजन के बाद चबाकर खाने से पेट की गैस तुरंत निकल जाती है। तो इस तरह से जो पेट की गैस है उसके लिए घरेलू उपाय हैं। और अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो दो दवाइयां हैं एकदम सुपर काम करती हैं, खासतौर से उनके लिए जिनके लिए गैस की संभावना ज़्यादा बनती है। तो देखिए, पहली मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो लाइकोपोडियम 200 है, इसको डेली सुबह 4 गोली 2 बूंद सीधे जीभ पर लेना है, यानी 4 गोली या 2 बूंद सीधे जीभ पर लीजिए। और दूसरी दवा है नक्सबोमिका 30, डेली रात को सोने से पहले 4 गोली या 2 बूंद सीधे जीभ पर लेना है। इस तरह से आप गैस से निजात पा सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।